अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले के आदेश का बड़ा अलर्ट, खुफिया सूत्रों की खबर। कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं लश्कर आतंकियों के दो ग्रुप। सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा के रूट पर कंगन में हो सकता है यात्रियों पर हमला, बालटाल रूट पर पड़ता है कंगन इलाका। सूत्रों के मुताबिक इस महीने दाखिल हुए हैं लश्कर आतंकियों के दो ग्रुप, पहले ग्रुप में 11 और 13, दूसरे में 6 से 7 आतंकवादी हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा का जायजा लेने रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंची, बालटाल बेस कैंप में जवानों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोहरा से भी मिली, बॉर्डर और राज्य के अंदरूनी सुरक्षा हालात पर चर्चा की। अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज फिर से सुरक्षा समीक्षा करेंगे, गृह मंत्रालय में अहम बैठक। कश्मीर में पत्थरबाजों और आतंकी फंडिंग पर केंद्र सरकार सख्त, राज्यपाल शासन लगने के बाद रुख में बदलाव। आतंकी फंडिंग पर केंद्रीय गृह सचिव की NIA ED के बड़े अफसरों के साथ बैठक, NIA का जांच तेज करने का फैसला। सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फोरे का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने आगवानी। राष्ट्रपति भवन में सेशेल्स के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान जवान की तबीयत बिगड़ी, पीएम मोदी ने खुद जाकर जवान का हालचाल जाना। ब्लैक मनी केस में पी चिदम्बरम और उनके पूरे परिवार की अदालत में पेशी, चेन्नई की चीफ मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में दिया गया है समन। INX मीडिया केस में CBI ने कार्ति चिदम्बरम को जमानत देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, मार्च में मिली थी कार्ति को जमानत। हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति डैनी के बीच औपचारिक बातचीत, भारत और सेशेल्स के बीच संबंध की मजबूती पर चर्चा। सेशेल्स और भारत के बीच 6 अहम समझौते हुए, रक्षा क्षेत्र में $100 मिलियन की मदद करेगा भारत। सेशेल्स के राष्ट्रपति डैनी फोरे का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी की अगवानी की। राष्ट्रपति भवन में सेशेल्स के राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक जवान की तबीयत बिगड़ी, पीएम मोदी ने खुद जाकर जवान का हालचाल जाना। राजघाट भी पहुंचे सेशल्स के राष्ट्रपति, महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीलीभीत के 2 दिन के दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, जिला प्रशासन के साथ बैठक कर कई योजनाओं की ली जानकारी।